सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। टूटी कमल और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती, बिना करे तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। अगर हम हमारी जिंदगी सिर्फ कल के बारे में सोचने में निकाल देंगे तो हम हमारी जिंदगी के अहम पलों को नहीं जी पाएंगे। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। आज का पंचांग 3 जून 2021 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि, रात्रि 2:22 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 6:35 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर दोपहर 12:07 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। तुला राशि 3 जून 2021 दिन गुरुवार, आज स्वयं को भौतिक चीजों के मुंह में फंसा अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर ना पकड़े बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है। सहज बने रहें, जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं, इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा। अभी आप अपने अतीत और यादों से अलग महसूस कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों या आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ने के लिए एक छोटी सी यात्रा के लिए जा सकते हैं। प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए यह अच्छा समय है। आर्थिक लाभ भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका करिश्मा ऐसा है कि आप आसानी से दोस्त बना सकते हैं। अभी बनाए गए संबंध हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। काम और करियर के बारे में निर्णय लेने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। जीवन में आपको अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल सकता है, किंतु इसके लिए दूसरे लोगों की भी मदद करें। आज आप अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपकी सकारात्मक तथा संतुलित सोच आपके महत्वपूर्ण कामों को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करेगी। संतान द्वारा कोई उपलब्धि हासिल होने से परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। अपनी क्षमता से अधिक काम की जिम्मेदारी लेना और खुद से रखी अपेक्षाओं के कारण नाराजगी महसूस होगी और जिन बातों में पहले आपको रुचि महसूस होती थी उसमें भी मन नहीं लगेगा। यह परिस्थिति कुछ वक्त के लिए ही है, इसलिए अभी की भावनाओं से प्रभावित होकर किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय ना लें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन ना लगने के कारण चिंता सता सकती है। बेवजह के प्रेम संबंधों में अटके रहने के कारण मानसिक तकलीफ होगी। आपके अंदर संयम न होने के कारण सेहत को ठीक करने के लिए गलत मार्ग अपनाया जा सकता है। आज व्यक्तित्व में निखार रह सकता है। किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में प्रशंसा मिल सकती है। टेंट हाउस और मैरिज हाउस वालों को लाभ का अवसर मिल सकता है। रिसेप्शनिस्ट, कॉल सेंटर वालों और PR संभालने वालों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। यदि सगाई हो रखी है तो शादी हो सकती है या फिर शादी की दिनांक तय हो सकती है। घर में किसी का स्वास्थ्य चिंता करवा सकता है। पिता के साथ तालमेल पर विशेष ध्यान दीजिए। बॉस की ओर से परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी आलस के कारण आप अपने कार्यों को टालने का प्रयास भी करेंगे। ज्यादा सोच विचार करने से कई बार आपके हाथ से महत्वपूर्ण उपलब्धि निकल भी सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के साथ खुशनुमा पल व्यतीत करने से आप तरोताजा महसूस करेंगी, परंतु जीवन साथी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर
नोकझोंक भी हो सकती है। निवास स्थान यानी होम प्लेस पर आपको सुकून और आपके मन को शांति मिलती है। आपका साथी आपका सबसे बड़ा दोस्त है, जिसके साथ बिताया समय आपके लिए यादगार है और स्पेशल भी होता है। अपनी पसंदीदा गतिविधियों में उसे शामिल करें और प्रोत्साहित भी करें। आपका आकर्षण नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करता है। अपने परिवार के साथ, विशेष रूप से अपने पति पत्नी, अपने साथी के साथ समय व्यतीत करें और उनसे अपनी इच्छाओं और रणनीतियों को साझा करें। जीवन की चुनौती चाहे कैसी भी हो, आप दोनों मिलकर इनका सामना करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। इससे पहले कि आप दूसरे से प्यार की अपेक्षा करें, आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। आपको ऐसे ही बात स्पष्ट रूप से सीखनी है। यह समय आपके लिए अपने मन की आवाज़ सुनने और खुद को वह प्यार और इज्जत देने का है, जिसके आप हकदार हैं। इसके बाद आपको प्यार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसकी जगह आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारण अच्छे और सार्थक लोग खुद आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे। बात करते हैं करियर की। आज का दिन सट्टा व्यापार के लिए उपयुक्त है, पर बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लें। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें अज्ञानता में लिया गया फैसला नुकसान दिला सकता है। इसलिए फिलहाल लॉटरी के मकर जाल में ना फंसें। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना हानिकारक है, जिसमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। परंतु अगर आप हर सिक्के के पहलू पर गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उचित दिशा में जाएगा, जो कि फायदेमंद साबित होगा। अभी आप कुछ अलग करने के बारे में भी सोच रही हैं। शिक्षा में व्यवधान के योग है, लेकिन आने वाला समय आपके अधिकार के बारे में अवगत कराएगा। नया वाहन, अचल संपत्ति या इमारत खरीद सकते हैं। आज आप अपने विशेष करिश्मे को महसूस कर रहे हैं और नए दोस्त बनाने के लिए यह बेहतरीन समय है। आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। आज किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल के लिए समय अच्छा नहीं है। याद रखें, समस्याएं धीरे धीरे आपकी सफलता का मार्ग बना रही है। वर्तमान व्यवसाय में अभी गतिविधियां कुछ धीमी ही रहेगी, परंतु आपके द्वारा किए गए बदलाव से स्थिरता कुछ अनुकूल भी होगी। नौकरी में आपके कार्य में कुछ परिवर्तन आने से कार्यभार कुछ हल्का होगा। बात करते हैं सेहत की। आज आप जरूर किसी अभ्यास कक्षा या नियमित व्यायाम में भाग लेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से अपने स्टेमिना में सुधार करने या वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो शुरुआत आपके लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी संकल्प को बनाए रखने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। आप पहले से भी अधिक सशक्त कार्यक्रम अपने लिए चुन सकते हैं। आज का उपाय, आज आप तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।